अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब A1 ठीक ठाक है ना मामा? होता है और बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे हम रेडी शेडी हुए हैं, तो हम जा रहे हैं अपनी महक जा रही है रहने के लिए अपनी महक जा रहा है दीदी के घर। तो हमने सोचा हम इसको छोड़ रहे हैं, साथ में दीदी से मिल लाते हैं। तो ये महक पीछे राइट में आओ आगे, तो ये महक खड़ी है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो आपको भी मिस करके बताना, तो हम लोग चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और दीदी का घर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनल लुक में ये है, तो हम लोग चलते हैं और आपको भी विजिट कराते हैं दीदी का घर भी। हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, पापा अपना रिक्शा लेके बाहर आएंगे, तो हम लोग फिर चलेंगे। इस टाइम बैठ गए हैं रिक्शे में, तो ये मामा भी बैठ गए हैं हमारे साथ। भाई अब हम आपको रास्ते में सारा कुछ दिखाएंगे जो हम अपनी बेटी और दीदी के घर भी दिखाएंगे आपको, पूरा रास्ता आप सब हमारे साथ बनेंगे जी। तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पापा हमें शीशे से चोरी चोरी देख रहे हैं और ये हम लोग बैठे हुए हैं। अभी फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं और फ्यूल वाला पता नहीं किधर गायब हो। हम चेक करें ग्लासेस लगा के और बड़ी देर बाद हमारे फ्यूल की पानी आई, तो थैंक गॉड आ गया हमारे फ्यूल डलवा। ये लड़की के भी काम चेक करें। अब हम लेने लगे हैं फ्रूट दीदी के लिए, तो फ्रूट देखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। 4 दिन बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर से वही गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया ना मामा। दिनों में हम लोगों को छुट्टियाँ थी कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, इसलिए फिर जॉब हो रही थी। और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। शेखर ने बैग भी बोली है कुछ, तो फ्रूट लेते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं। देखते हैं भट्टा चौक पे कितना ज़्यादा रश है, तो हम लोग फ्रूट लेने का सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से ले। देखिए और अभी हम और भी फ्रूट देख रहे हैं, तो वो बेचारे अंकल केले बैठे हैं। और मामा उनसे भी ले लो यार, मैं तेरे पापा के रह रही हूँ। अभी हम ले रहे हैं मैंगो, तो हमने सोच किया फाइनली हम इनसे भी कुछ ले रहे थे। बेचारे के पास कोई भी नहीं बैठा हुआ था ना मामा, और उन्होंने पहले मामा को टेस्ट करवाया है, तो पहले थोड़ा सा मैंगो लेके हम टेस्ट करवाया कि बहुत मज़े टेस्ट करवाया, और उसके बाद हमने खाया। तो अब हम अंकल से ले रहे हैं। अब देखो पापा सामने मैंगो भी ले ली अपनी गाइस, मामा ने मैंगो ले लिए। मैंने बोला एक मुझे तो दो, मामा दे ही नहीं रस्ते में। ये बहुत भूखी है। आई लव दिस मैंगो। ये क्या है, गर्मी लग रही है और इसलिए हम अभी चलते हैं। और पापा चाचा टुक टुक जा रहे हैं, पापा इसलिए हाथ ला रहे हैं। तो अनम दीदी के बर्थडे, इसलिए पापा विश कर रहे हैं उनको। और अभी हम चलती हैं अपने रास्ते की तरफ, है ना मामा? चलो दीदी को विश भी कर। तो अनम दीदी भी आएंगी, उनकी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे अनम दीदी। तो हम वहाँ पर जाएंगे, तो दीदी अगर आए तो आपको उनको भी वीडियोस भी लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं और मैं भी दीदी के घर भी जा के आऊँ।
क्वार्टर्स के पास है दीदी के घर, पाँच मिनट का रास्ता रह गया तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। और इधर भी बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हम लोग दीदी के घर के पास आ गए, उतर गए। पापा वहाँ पे रिक्शा खड़ा कर रहे हैं तो पापा का वेट कर रहे हैं। तो फिर अब पापा वो देखे, पापा उतर रहे हैं, फिर साइड बैठो। तो बस अब हम दीदी के घर चलते हैं, तो वहाँ पे जाकर आपको उनसे भी मिलवाते हैं। दीदी के घर पहुँच चुके हैं और ये सारे बच्चा पार्टी है। हेलो कर दो, जिन्हें आप भी हेलो करो। तो हम दीदी के कमरे में, तो गाइस मेरी ना प्रिंसेस की बर्थडे है, तो आप सब ने कमेंट्स में उसको विश करना है। हैप्पी बर्थडे बेबी, और वेरी वेरी टर्न ऑफ द डे, आप हैप्पी रहो और बहुत प्यारी बच्ची मेरी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको विश करना, और मैं मेरी तरफ से। तो ये देखिए जीनिया, जीनिया की हंसियाँ चेक करें जरा, हम पहुँच गए। जीनिया खुश हो हम आए हैं? हाँ जी। तो बाबा हम आप खुश हो, हैप्पी हो? हम लोग आपके घर आए कितने ज्यादा। ये देखिए क्यूटू जोया भी है, जोया बताओ आप कितने ज्यादा खुश हो। बाबा मासो आपके पास है कि आप हैप्पी हो? और मैं आपके पास ही रहेंगी और मैं अपने घर चले जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी, मैंने जॉब पे जाना है। जीनो आप तो गंदे गंदे काम कर रही हो, ठीक है? तो अभी मामा लोग ऊपर आते हैं तो फिर आपसे उनको भी मिलवाते। चलो फाइनली हम लोग दीदी के कमरे में पहुंच चुके हैं। बच्चों ने गंद बड़ा दीवारों पे नजर आ रहा होगा, ये इसके काम है, इसके इसके काम है। तो बताए मामा, तो ये पापा, ये पापा भी बैठ गए हैं। ये देखे ये बच्चे हैं, और दीदी से पूछते हैं दीदी ने खाने में क्या बनाया। हेलो दीदी, चलो बताओ खाने में आपने क्या बनाया हमारे लिए। तो ये देखे ये है कौन सा मटर बना, बताओ। चलो जी, और ये क्या है बताओ? आलू कोफ्ते। आलू कोफ्ते बनाए यार, इसमें क्या है? इसमें कड़ी है, इसमें कड़ी है। और ये खीर बनाई है। नहीं या, और बाकी ये फ्रोजन पड़ा हुआ है। अभी हम खाना खाने लगे, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं, पेट पूजा करने हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, खाना खा लेना, भूख लगी है। आपने खाया खाना? सुबह खाया था। तो ये मेरी दीदी की बेटी है, तो मैं इसकी मासी हूँ। और ये की है, और ये बब्बू है। आपने खाना खा लिया था बब्बू? तो जबी ने भी खाना, जबी खाना खा लिया, हमें हमारे बगैर ही खा लिया। चलो जोया ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, और जीनिया आपने खाना खा लिया। हाँ जी। चलो जी तुम्हें है जोया, हम लोग खाना खाएंगे बैठ के। हमें डालकर सर्व कर रही हैं दीदी, कैमरे में नहीं आती इसलिए हाथ हाथ ही नजर आएंगे आपको। अंदर आपको भी दिखाते हैं।
होगा भी आइसक्रीम मामा ने लेके दी है। थैंक यू मामा, मामा थैंक यू। मामा खाने में मसरूफ है तो हम लोग आइसक्रीम खाते खाते जा रहे हैं। वो सामने जाना है हमने, हम आपको दिखाते हैं। माँ जल्दी चलो ना, वो सामने लाहौर का म्यूज़ियम, ये इस वक्त बंद है वरना हम इसके अंदर भी जाएं, लेकिन ये बंद है इस वक्त। वो सामने हम लोगों ने जाना है, वहाँ पे जाके कुछ पिक्चर्स वगैरह लेंगे। तो पापा, वो पापा पीछे आ रहे हैं और मामा ये है और मैं यहाँ पे, इतनी दूर दूर ये लोग खड़े हैं ना। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और ये जहाज जा रहा है। हम घर जा रहे हैं, हमने वो कर रहे हैं, मैं और मामा साथ साथ चल रहे हैं। हम ज़्यादा मतलब प्लान नहीं था हमारा यहाँ आने का, तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लें, क्योंकि वो आइसक्रीम वाला वहीं खड़ा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा अंदर से भी आपको दिखा दें। आ तो गए हैं तो अब आपको भी दिखा दें। तो ये देखें, ये म्यूज़ियम है, लेकिन ये अभी बंद किया हुआ है इन्होंने। देखें कितना प्यारा वाले। हम म्यूज़ियम के बाहर मतलब वॉक करते हुए हम वापस जा रहे हैं पापा के पास, तो फिर वहाँ से हम घर जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी बड़ी पार्क है इसके सामने, दिखाती हूँ ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और लाहौर है भाई, लाहौर जिसने देखा नहीं और जल्दी जल्दी देख ले। जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जमिया नहीं है तो सुना ही होगा। तो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने आपको रास्ता भी सारा दिखाया है, तो माशाल्लाह लाहौर कितना ज़्यादा प्यारा। तो अभी मामा आ रही हैं और ये चेक करें कितनी बड़ी पार्क है। तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं, तो हम लोग पापा के पास जा रहे हैं। सारा एयरपोर्ट का इलाका है, सारा एयरपोर्ट रोड वाली साइड है, न्यू एयरपोर्ट वाली साइड। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम अपने ऑटो में बैठेंगे। लेट गई आके, तो मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग जैसा लाहौर भी आपको मैंने सारा दिखाया, न्यू एयरपोर्ट रोड वाली साइड सारी आपको दिखाई, और दीदी के घर तक जितना रास्ता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर अच्छा नहीं लगा फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग करनी स्टार्ट करेंगे।